विख्यात जमीन कारोबारी अनिल यादव हत्याकांड का उद्भेदन गिरिडीह पुलिस ने कर दिया है और इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी बैजू रविदास को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैजू सरिया प्रखंड कार्यालय में बड़ा बाबू के पद पर कार्यरत है और मूल रूप से खोखरा के बरियारपुर का रहने वाला बैजू वर्तमान में पचम्बा थाना इलाके के उसी मोहल्ले में रहता है जिस मोहल्ले में अनिल रहता था। और आज सुबह जब आक्रोशित लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गिरिडीह टावर चौक के पास जाम कर दिया था, तो इसके बाद पुलिस ने जब बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, वही लोगों ने सड़क जाम हटा लिया। हालांकि इस दौरान आवागमन प्रभावित रहा। इससे पहले स्थानीय लोगों ने मंगलवार को भी घटना के बाद गिरिडीह टावर चौक को जाम कर दिया था। इसके बाद पुलिस का आश्वासन मिलने पर लोगों ने जाम हटा लिया, लेकिन आनंद फानन में शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया तो स्थानीय लोग और भड़क गए और आज सुबह फिर सड़क को जाम कर दिया। लेन देन में तमाम जानकारी के लिए गिरिडीह से श्रीकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? अनिल यादव हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी के निर्देश पर और एसपी ने जो एसआईटी बनाई थी, चंद घंटों के भीतर जो हत्यारा है, जो आरोपी है इस मामले में, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में इस्तेमाल जो चार पहिया वाहन था, जो जिस हथियार से इस घटना को अंजाम दिया गया था, उससे जब्त कर लिया गया है, बरामद कर लिया गया है। जो सूत्रों के हवाले से खबर है, बैजू रविदास नामक जो व्यक्ति है, जो कि सरिया प्रखंड कार्यालय में बड़ा बाबू के पद पर तैनात है, मूल रूप से वो खोखरा के बरियारपुर का रहने वाला है और वो उसी मोहल्ले में रहता था जिस मोहल्ले में अनिल रहता था, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उसने पूरी घटना की बात भी कबूल कर ली है, पुलिस ने इस घटना की पुष्टि भी कर दी है गिरफ्तारी की। तो चंद घंटों के भीतर गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया है और हत्यारे की गिरफ्तारी भी कर ली है। हत्या में प्रतिनियुक्त हुआ चार पहिया वाहन और हथियार को भी बरामद कर लिया है और कौन कौन से लोग इस घटना में शामिल थे उनके भी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग आक्रोशित थे उस मामले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की और चंद घंटों के भीतर ही इस हत्या के मामले का उद्भेदन कर लिया है। बता दें कि कल देर शाम यादव, जो कि पचम्बा के निवासी हैं, उनका शव खुखरा था पीचाण थाना क्षेत्र के पालगंज के समीप पाया गया था, जिसके बाद से देर शाम शहर वासियों ने कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, सुबह में सड़क भी जाम किया था टावर चौक। ठीक है श्रीकांत, नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अनिल यादव हत्याकांड मामले में साथ में उस गाड़ी से माल बॉडी ले जाएगा, गाड़ी कर दिया गया है और उसके घर को भी सील कर दिया गया है और एसएसएफ की टीम अभी आ रहा है, उसके द्वारा एक एक बिंदु पर जांच किया जाता है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, अभी एक व्यक्ति गिरफ्तार है, एसपी साहब ने कहा स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति जो मुस्तमिल था वो गिरफ्तार हुआ है और हम लोग एसपी साहब से मांग कर रहे हैं कि पूर्व में जिसके इनका द्वारा आवेदन या दो लोग अनिल यादव के द्वारा कार्रवाई के लिए प्रशासन से बोला गया था उस पर अभी लंब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।